हमें खुश रहना है और बाद में लोगों को खुश करना है। क्या होता है कि हम लोगों को खुश करने के चक्कर में हैं, हम चाहते हैं कि लोग संतुष्ट हो जाएं, लोग खुश हो जाएं, और लोग खुश रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं किसी को ना नहीं बोल सकता हूं क्योंकि वो नाराज हो जाएगा, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो नाराज हो जाएगा, मैं सभी के हाँ में हाँ मिलाता हूं क्योंकि उसको यदि मैंने नाराज किया, उसको ना बोला, उसने कुछ मुझे बोला ये करो और मैं ना बोलता हूं तो वो दुखी हो जाएगा, वो खुश नहीं रहेगा, और वो खुश नहीं रहेगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा। तो हम लोगों को संतुष्ट करने के पीछे, लोगों को सुखी करने के पीछे, कि भाई वो खुश, सुखी नहीं है एक्चुअली, वो खुश करने के पीछे, और लोग कभी खुश होने वाले है नहीं। आप जितना उनका उनकी सेवा करेंगे, उनको उनके लिए जो भी कुछ करेंगे, लोगों की डिमांड बढ़ती रहती है। तो लोगों को खुश करना है और लोग खुश रहे तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये चक्कर में मत पड़ो। अब ये देखो कि आप खुश हो, आप खुश रहो, आप खुश हो जाओ, और बाद में लोगों को जो भी खुश करना है वो करो। देखो, एक माँ बाप है, माँ बाप यदि दुखी है, वो खुश नहीं है, तो वो बच्चों को खुश नहीं कर सकते हैं। माँ बाप क्या है, माँ बाप बच्चों को खुश करने के चक्कर में, बोले बच्चों को खुशी मिलना चाहिए, और खुद दुखी है, खुद को भय है, खुद को चिंता है, खुद को टेंशन है। और ऐसी माँ जिसको भय है, जिसको टेंशन है, जिसको एंग्जाइटी है, जिसको वरी है, जो नर्वस है, जो डिप्रेस्ड है, ऐसी माँ कौन से बच्चों को अच्छा कर सकती है या कौन से बच्चों को खुश कर सकती है? कभी नहीं। तो माँ बाप ने ये देखना है कि भाई हम बच्चों को खुश करना चाहते हैं, पहले हम खुश हो जाए, हमको मन की शांति मिल जाए, बाद में हम बच्चों को खुश करेंगे। बच्चों का ऐसा है कि आप उनको कितना भी दो, बच्चे डिमांड करते रहते हैं, तो बच्चे कभी खुश होने वाले हैं नहीं। और खुश होगा तो टेम्पररी खुश होगा, उसके बाद में फिर और कुछ तो भी डिमांड कर देता है, तो बच्चा कभी खुश होने वाला है नहीं। इसलिए पहले हमने खुशी, मन की शांति, रिलैक्सेशन हमने पहले अपना करना चाहिए, बाद में बच्चों का, बाद में औरों का करना चाहिए। नहीं तो आपको कभी मन की शांति मिलने वाली नहीं है, मन की खुशियां मिलने वाली है नहीं। आपको टेंशन आता है कि आप टेंशन करते हो, आप दुखी होते हो कि आपको दुख बाहर से आता है? देखो, परिस्थिति सभी को सरी की है, एक ही परिस्थिति है, और एक ही परिस्थिति में लोग अलग 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 व्यवहार करते हैं या बर्ताव करते हैं। एक परिस्थिति में फाइनेंशियली पूरा एक जना ब्रेक डाउन हो गया उसका, तो बोलता है कि अभी मेरा सब कुछ चले गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो अपने लक को दोष देते हुए बैठ जाता है। और दूसरा बोलता है कि मैं फाइनेंशियली ब्रेक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे हाथ पैर ठीक है, मैं सब कुछ फिर से कमा के लूंगा, वो उसका एटीट्यूड है। तो बाहर परिस्थिति में कुछ भी नहीं है, बाहर जो भी हो रहा है वो हो रहा है, बाहर जो हो रहा है उसको हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं वो महत्व का है। जो भी हो गया वो हो गया, जो भी हो गया उसको रेस्पॉन्ड हम कैसा करेंगे उसके ऊपर पूरा टेंशन, उसके ऊपर पूरी अपनी मनस्थिति है। किसी ने मेरी राय नहीं मानी, किसी ने मेरा इंसल्ट किया, किसी ने मुझे दुख दिया, इसलिए मेरा अहंकार हर्ट, मेरा ईगो हर्ट हो जाता है, अहंकार को ठेस पहुंचती है, मैं दुखी हो जाता हूं। मतलब मैं दुखी हूं क्योंकि ये ऐसा है, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि ये ऐसा है। मतलब ऐसा बार 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 हमारा पूरा जो है मन मन की स्थिति, वो क्यों क्यों के ऊपर डिपेंड है। जब तक क्यों की जब तक बाहर है वो, तब तक हम कभी शांत नहीं हो सकते, टेंशन रहेगा ही रहेगा। लोग मुझे रिस्पेक्ट देते नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, लोगों ने मुझे मेरी प्रशंसा नहीं किया इसलिए मेरा हर्ट हो गया। ये तो आपका रिमोट कंट्रोल लोगों के पास में चले गया, आप है नहीं, फिर तो आप कभी सुखी होने वाले हैं नहीं, आपकी मनस्थिति कभी ठीक होने वाली है नहीं, क्योंकि वो सब लोगों के ऊपर है, सब परिस्थिति के ऊपर है। उन्होंने मुझे देखा और अपना मुंह घुमा लिया और मुझे पहचाना नहीं, बस मैं हर्ट हो गया, इतना सा हो गया तो मैं
हर्ट हो गया, उन्होंने मेरे से बराबर व्यवहार किया नहीं, उन्होंने मुझे अनदेखा किया, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, उन्होंने मेरा इंसल्ट कर दिया, ये हम बोलते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई वो जो आदमी है उसके ऊपर मेरी मनस्थिति डिपेंड है। अब उसने मेरा इंसल्ट किया या उसने मुझे देख के सिर घुमा के चले गया, सिर फिरा के चले गया, अभी मैं उसका बदला लूंगा, अब मैं देख लूंगा, अब मैं बताऊंगा उसको मैं कौन हूं। मतलब इससे हो रहा क्या है, इससे बदले की भावना निर्माण हो रही। वो नीचे गिरा हुआ है, वो नीचे गिर गया है कि हमने भी नीचे गिरना चाहिए। वो दुखी है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, उसके दिमाग में मत्सर की भावना, द्वेष की भावना, जो भी उसके दिमाग में कुछ है, मैंने वो लेवल पे क्यों जाना चाहिए, मैं भी देख लेता, मैं भी उसके साथ में जैसा जैसे को तैसा ही व्यवहार करूंगा, ये मैंने क्यों करना है, मैंने क्यों गिर जाना है नीचे। देखिए आपकी दुकान के सामने कोई दुकान है, सामने वाला दुकानदार अच्छी दुकानदारी नहीं कर रहा है, वो लोग बहुत लॉसेस कर रहा है, तो आप उसको देख के क्या बोलेंगे, वो देखो वो लॉसेस कर रहा है अभी मैं भी लॉस करता हूं। उल्टा मैं देखूंगा कि वो लॉस कर रहा है, वो जिस तरह से कर रहा है वैसा मैंने नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मालूम है कि ऐसा किया तो लॉस है, तो मैंने अलग कुछ करना चाहिए, तो मैंने अलग करना चाहिए या उसके लेवल पे जाके मैंने भी लॉस करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करता हूं ना। तो इसका मतलब जो गिरा हुआ है उसके लेवल पे अपने जाने का नहीं है। समझो हम जीना उतर रहे हैं, है ना, स्टेप्स नीचे उतर रहे हैं, और एक जन गिर गया, वो नीचे गिर गया, नीचे मतलब नीचे गिरते गिरते एकदम आखिरी तक चले गया, अब उसको मैंने उठाना चाहिए कि मैंने भी गिरना चाहिए, नेचुरली मैंने उसको उठाना चाहिए। तो सामने वाला यदि मुझे देखकर उसने मुंह फिरा लिया, सामने वाले ने मुझे देख के चिल्लाया, सामने वाले ने मेरा इंसल्ट कर लिया, मतलब वो एक इमोशनल लेवल से नीचे उतरा हुआ है, वो अपना लॉस कर रहा है, वो ठिकाने पे नहीं है, उसका दिमाग उसका नॉर्मल नहीं है, तो वो फिर मैंने वो लेवल पे जाके मैंने व्यवहार करना, ये ठीक रहेगा, या मैंने उसको अपने लेवल पे ऊपर खींचना है, मैंने भी प्यार, मैं उसके उसको जाके पूछ सकता हूं, पूछ सकता हूँ, प्यार से पूछ सकता हूँ कि भाई आपको क्या हुआ, भाई आपने मुझे देख के आपने मुंह पलटा लिया, क्या मेरे से कुछ गलती हुई, क्या कुछ हुआ क्या, मतलब मैं इसको पूछ सकता हूँ ना, मैं मेरा अहंकार बाजू में रख सकता हूँ। एक्चुअली जब सामने वाला मेरे से कोई भी व्यक्ति उल्टा व्यवहार करता है, नासमझी का व्यवहार करता है, इंसल्ट करता है, वहां मैंने हर्ट न होते हुए, मैंने वो लेवल पर नहीं जाते हुए, मेरा जो ईगो है, मेरा अहंकार कि मुझे ऐसा किया, मुझे वैसा किया, मेरे को उसने ऐसा बोला, ये ईगो हर्ट जो हो गया ऐसा मैं बोल रहा हूं, वो छोड़ के मैंने उसके पास में जाके बातचीत करना है। इसका मतलब क्या हो गया, उसने मेरे से ऐसा बर्ताव करके, ऐसा व्यवहार करके एक अपॉर्चुनिटी दिया मेरा अहंकार छाटने की, एक अपॉर्चुनिटी दिया कि मेरा जो ईगो है वो छाटने की, और मुझे एक देखने के लिए उसने मजबूर किया कि नहीं भाई क्या हो गया है, मेरा अहंकार बाजू में मैं कर सकता हूं क्या, मैं मेरा ईगो हर्ट हो गया ऐसा बोल के मैं बदला लूं, या ईगो कुछ नहीं हर्ट हुआ भाई, वो जो लेवल पे है वो बीमार है, वो उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, वो इमोशनल ठीक नहीं, जो भी उसने किया वो किया है, अभी मैंने उसको ऊपर उठाने का है, ना कि मैंने उसका बदला लेने का है, तो मैंने उसको जाके थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई तुमने मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दिया कि अभी मैं मेरा अहंकार बाजू में रख के आपके लेवल तक आ सकता हूं, सो थैंक यू वेरी मच, मुझे एक्चुअली मौका मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मेरा अहंकार बाजू कर सकता हूं इस समय और वो लेवल पे जा सकता हूं। तो परिस्थिति मुझे ना टेंशन दिला सकती है, परिस्थिति ना मुझे ना खुश कर सकती है, परिस्थिति में लोग जैसे है वैसे है, मैंने बदले की भावना करना, मैंने देख लूंगा की भावना करना, खुन्नस करना, रिवेंजफुल एटीट्यूड रखना है, और मैं देख लूंगा ऐसा बोलना है, अपने ही मन शांति चले जाती है। और ऐसा व्यक्ति यदि घर में जाता है तो उसका असर बच्चों के ऊपर होता है, पति पत्नी के ऊपर होता है, माँ बाप के ऊपर होता है, वो हमारे संस्कार जो है वो सब घर में वो उस स्पेस में जो है ना वो संस्कार वैसे वाइब्रेशंस लाएंगे, सब निगेटिव वाइब्रेशंस लाएंगे उस स्पेस में, नुकसान अपना है। तो मुझे कुछ भी वैसा रखने का नहीं है,
कोई मेरे से व्यवहार गलत करता है ऐसा मुझे लगता है, उसको तो ठीक लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसने गलत व्यवहार किया है, तो मैंने उसको अपने लेवल पे लेके आना है, ना मैंने उसके लेवल पे जाके गिरने का है। मेरी ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ताकि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।